नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ग्वालियर व्यापार मेले को समेटने की अटकलों को लेकर तहकीकात। ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापारीगण कर रहे क्या घाटे का व्यापार? मेला समेटने की अटकलों को लेकर इंडिया खबर लाइव ने मेला व्यापारी संघ और मेले के व्यापारियों से की बात। प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए मेला निर्धारित अवधि में ही समाप्त होगा। महिंद भटकारिया। प्रशासन का जो भी निर्णय होगा वह मेला व्यापारी संघ मानेगा। अध्यक्ष। प्रस्तुत है ग्वालियर से अनूप पांडे के साथ विनोद गुप्ता की एक रिपोर्ट। जी हां, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की लहर 2 के चलते शहर के सबसे बड़े समारोह ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। मेले के व्यापारी गण और व्यापारी संघ आमने सामने हैं। इस माहौल में इंडिया खबर लाइव ने व्यापारी संघ अध्यक्ष और मेले के व्यापारियों से उनका पक्ष जाना। श्रीमंत माधवराव सिंधिया, व्यापार मेला अपने निर्धारित समय तक चलेगा, उक्त बात मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने इंडिया खबर लाइव से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गाइडलाइन का हर व्यापारी पालन कर रहा है, वहीं मेला राति 10 बजे समाप्त कर दिया जाता है। आगे प्रशासन जो भी निर्णय देगा वह व्यापारी संघ मानेगा। वहीं मेले में आए कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारी रकम फंसी हुई है, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं। अतः प्रशासन से आग्रह किया है कि ग्वालियर व्यापार मेले को अपने निर्धारित समय तक लगाने की इजाजत दी जावे। श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला है और श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 115 वर्ष पुराना मेला है, ऐतिहासिक धरोहर है। ये हाल में मेला लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले लोग बाग 1000 कमाते थे, अब 400 कमाएंगे सब। पहले आदमी मक्खन रोटी खाता था, अब चटनी रोटी खाएगा। यदि कोई कहता है कि घाटा हो रहा है तो वो नगण्य बोल रहा है। इसलिए नगण्य बोल रहा है कि ये मेला कभी किसी को आज तक घाटे में नहीं गया है। और रात कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेले के कारण कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने में मदद मिल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग भी। कम से कम जो चैनल वाले हैं वो तो, कुछ लोग तो चैनल वाले सही सब खबर दिखाते हैं। मैं उनको पहले तो कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ जो सही खबर दिखाते हैं। आपको पता है अभी कोरोना की बात चल रही है तो पश्चिम बंगाल में रैलियाँ हो रही हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ लाखों की करोड़ों की भीड़ है। बाड़ा खुला हुआ है, सराफा बाज़ार खुला हुआ है। केवल मेले को ही एक टारगेट बनाकर इसको पर्टिकुलर लेकर, और कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं। कुछ हमारे यहाँ के मेले के दुकानदार भी हैं जो मेले से पता नहीं क्या खुन्नस रखते हैं, जो कहते हैं कि मेला ख़त्म किया जाए। 7,000 दुकानदार हैं जिसमें 6,999 दुकानदार चाहते हैं मेला लगे। एक पर्टिकुलर कोई दुकानदार ने कह दी थी, वर्जन दे दिया था कि मेले को ख़त्म किया है कोरोना पहले तक। क्या कोरोना उनके लिए नहीं है? क्या अपन बाज़ार में सब्जी ला रहे हैं, रोटी ला रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, उसके लिए कोरोना नहीं है? लेकिन कोरोना के नाम पर ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये गलत उड़ा रहे हैं। मेला ना बंद हो रहा है, ना मध्य प्रदेश शासन का ऐसा कोई आदेश है, ना हमारे महाराज साहब की, ना हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी की, ना हमारे माननीय मामा जी मुखिया इस मध्य प्रदेश के, उनकी ऐसी कोई मंशा है कि मेला ख़त्म हो। क्योंकि मेला में लोगों के करोड़ों रुपए लग चुके हैं। अगर ऐसे करोड़ों रुपए लगते हैं तो आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा। अगर आदमी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होगा तो आगे की गतिविधियां आप लोग जानते ही हैं क्या होंगी। अभी तो लोग बाग कोई लोग ब्याज पे पैसे लाए, कुछ लाए, इस मेले को लगाया है। और रहा कोरोना की बात, तो हर आदमी इस मेले में अपनी दुकान में सैनिटाइज रखे है, मास्क लगे है, मास्क लगा रहा है और अपनी सुरक्षा के साथ मेला चला रहा है। आश्वासन की बात करें तो आश्वासन तो हम नेता तो है नहीं है, हम तो एक व्यापारी हैं। और आश्वासन व्यापारी क्या देता है कि आइए हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। रहा आश्वासन की बात, तो आश्वासन हमारे ये ऊपर महाराज साहब श्रीमंत सिंधिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मामा जी और हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे माननीय उद्योग मंत्री सकलेजा जी और उद्योग हमारे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी ने, इन्होंने मेला लगाया, ये चल रहा है तबत। और रहा आश्वासन की बात, तो जिस पे अचलनाथ की कृपा होगी उसको कोरोना छू भी नहीं सकता है। तो हम ये माने जो भी तारीख तय है उस तय तारीख तक मेला पूरा चलेगा। देखिए ये अचलनाथ की कृपा है और शासन प्रशासन के आदेश से ये मेला लगा है, और शासन प्रशासन जो आदेश देगा उसको हम फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हैं।
देखो हमारे साथ में कुछ व्यापारी गण भी मौजूद हैं जो कि ग्वालियर व्यापार में उन्होंने अपनी दुकान लगाई है। वो इस आदेश को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो खबर फैलाई जा रही है या खबर है कि मेला बंद होने जा रहा है, उनका क्या पक्ष है? चलिए हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा और आप कहाँ से आए ये जानना चाहूंगा। मेरा नाम देवानंद बोहरे है जी। मैं गोले मंदिर ग्वालियर से आया हूँ जी। मैं इस मेले में व्यापार करने के लिए आया हूँ जी। अगर मेला बीच में बंद होता है जी, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी जी। हमने व्यापार में पैसा फंसाया हुआ है, ब्याज पे पैसा लिया है जी। पेट के पालने के लिए अपने व्यापार करने आए हैं हम मेले में जी। अगर बीच में मेला बंद होता है तो हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा पैसा कौन देगा? लगभग कितना नुकसान होगा दिया ऐसा आदेश सख्ती से पालन करा दिया जाता है कि मेला बंद किया जाए, ऐसा आदेश आ जाता है, कितना नुकसान होगा आपका? मेरा तो नुकसान कम से कम नहीं तो 30-40 लाख रुपए जी, कम से कम, क्योंकि इससे बहुत फर्क है मेला बंद होने से। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि इस वर्ष 2020 और 2021 का मेला लगना चाहिए था या नहीं? अगर समय पर लगना था तो समय पर लगना चाहिए था, अगर समय से आउट हो गया तो नहीं लगना चाहिए था। समय से यदि आउट हुआ है तो इससे आप लोगों को नुकसान हुआ है? समय नुकसान थोड़ा सा ये हुआ है कि गर्मी चालू हो गई, पब्लिक भी नहीं आती गर्मी में, तो शाम शाम का मेला चलता है, उसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, तो ये है। अभी जो दर्शक आप देख रहे हैं, कुछ आपका संदेश, कुछ मैसेज आप कहना चाह रहे हैं अपनी बात के साथ? संदेश क्या है, जैसे ये चल रहा है मेला, पूरी डेट तक चले ये मेला, तो यह कुछ हमको मिलेगा आगे कमाने के लिए, उसमें कुछ अब जो भाग्य में होगा वो देखेंगे, कुछ मिलेगा। और हमारे साथ में व्यापारी जुड़ चुके हैं जो कि एक अपना किराने का आइटम रखे हुए हैं यहाँ पर और उससे अपना रोजमर्रा के लिए पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर। चलिए उनका हम पक्ष रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का काल चल रहा है और उस बीच में मेला का प्रारंभ हुआ है, इसी बीच में ये अटकलें आ गई कि मेला बंद होने की संभावना है, क्या कहेंगे आप इस बीच में? अगर मेला बीच में बंद होता हम लोगों का बहुत लॉस होता है। मेरा कम से कम 2-2.5-3 लाख का तो लॉस मेरा खुद का अपना है, क्या घर बार छोड़ के बैठे, बीवी बच्चे छोड़ के बैठे हैं, यहाँ पे कुछ कमाने का बोझ नहीं है। जितनी दुकानदारी पहले सर्दियों में होती थी, वो मेला जो है वास्तविक सर्दियों में लगना चाहिए था, वो मेला नहीं लगा समय पर। समय पर जो चीज़ लगती है वही चीज़ आगे फायदेमंद होती है। इस समय मेला लगना ही नहीं चाहिए था कायदा, वो तो क्या दुकानों के चक्कर में हम लोग आए हैं बचाने अपने, भाई बाहर से आए तो दुकानें अपनी बचाना है हम लोगों को, नहीं तो वो हाल ब्लैक आउट कर दे, वो कर दे, इसलिए हम लोगों को परेशानियाँ हैं। और ये बीच में अगर बंद होता है, इससे तो ये है कि कोरोना कोई वैसे तो कोरोना है नहीं, सब एक अब्बासी बना के रख दी हुई है कि कोरोना 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 की है ही क्या चीज़ साली, वैक्सीन वगैरह भी होते हैं। कम से कम ये व्यापारियों के लिए सोच तो करें, और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपनी जेबें भरने की काम चलता है। बस ये है हम लोगों का कि कम से कम अगर ये 15 दिन चलता है तो आगे हम लोगों को बेनिफिट है थोड़ा, अब बीच में बंद हो जाता तो कोई मतलब भी नहीं है, फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्या करें, घाटा तो जो होना है वो तो किस्मत में है ही है, जो ऊपर वाले ने मंजूर करा वो होगा। जब ये धंधा नहीं चलता, शाम ही शाम का है तो शाम को आप 2-3 घंटे में क्या व्यापार कर लेंगे, आप क्या व्यापार कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 हज़ार रुपये का व्यापार, इसमें कोई उसकी एक आदमी की हाजिरी भी नहीं निकल रही है, इसलिए लॉस तो जो लॉस वो ही है। जो चीज़ समय पर लगता है वो चीज़ समय पर ही लगना चाहिए, और बीच में ये अब्बासी फैला दिए तो इसलिए और दहशत काए बैठे हुए हैं, क्या करें क्या करें, इसको समझ में नहीं आ रहा।